मुंबई के सुपरस्टार आलिया के बॉडीगार्ड्स ने मेहुल को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस इंस्पेक्टर मेहुल को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। मेरी बात सुनो इंस्पेक्टर, आई एम नॉट अ क्रिमिनल। सारे चोर पकड़े जाने के बाद ऐसा ही बोलते हैं, इसके हाथ लॉक कर दो। वाओ, इतनी इंटरेस्टिंग हथकड़िया। इंस्पेक्टर एक सवाल पूछूं, ये हथकड़िया किस कंट्री से एक्सपोर्ट की गई है? मुंबई पुलिस के पास इससे भी खतरनाक चीजें हैं। पुलिस स्टेशन चलो, सब बताता हूँ। अरे यहाँ आओ, जाल में कोई बड़ी मछली फंस गई है। ओ तेरी, ये तो इंसान है। जल्दी से गांव वालों को खबर कर दो, ये तीनों अभी जिंदा हैं। वही प्रिंस जस से मिलने के लिए गोचिस्तान पहुंचता है। यश कहाँ हो? प्रिंस यश को पूरे कोसिस्तान में ढूंढता है, लेकिन ना उसे यश मिलता है और ना रजनी। अरे ये दोनों कहाँ चले गए? तभी वहाँ ईशा भी पहुँच जाती है। अरे प्रिंस, तुम यहाँ? मुझे तुम सबकी याद आ रही थी तो सबसे मिलने पहुँच गई। लेकिन यश और रजनी कहाँ है? नो आइडिया। सबसे पहले आलिया को होश आता है। आलिया खड़े होते ही फाइटिंग के पोजीशन में आ जाती है। आई एम कराटे चैंपियन, कोई आगे मत बढ़ना वरना टक्कर दूंगी। अरे ये तो अंग्रेजी मैडम लगती है। अरे क्या कह रहे हो तुम लोग? आलिया नीचे देखती है तो यश और रजनी बेहोश पड़े हुए थे। उठो यश, रजनी, अरे कोई कुछ करो, उठो यश। अरे यार क्या बढ़िया सपना देख रहा था। आलिया हम लोग यहाँ कैसे आ गए? पता नहीं यश, हम लोग उस घर से गायब होकर सीधा यहाँ आ गए। अरे सुनिए भैया, ये कौन सी जगह है? मैडम ये बम्बई है। बम्बई यानी मुंबई? ये लोग हमें उल्लू समझ रहे, इस गांव को मुंबई बता रहे। मैडम हमें दूध बोल के त्या मिलेदा। आलिया उसकी तोतली आवाज सुनकर खुद की हंसी रोक नहीं पाती। स्टॉप आलिया, ये लोग सही बोल रहे हैं, ये वही जगह है जिस घर में हम मेहुल को सर्च करने गए थे। इसका मतलब हम लोग पास्ट में आ गए हैं। पर पास्ट में जाना कैसे पॉसिबल है? कहीं हम पैरेलल वर्ल्ड में तो नहीं? हेलिक्स, ये क्या हो रहा है? लेकिन ये क्या, हेलिक्स कोई रिप्लाई नहीं देता। आलिया अपनी वॉच चेक करती है तो उसमें नो सिग्नल लिख के आ रहा था। इसके बाद सारे लोग अपने मोबाइल चेक करते हैं, लेकिन किसी के पास मोबाइल ही नहीं था। लेकिन तुम्हें कैसे पता ये वही जगह है? रजनी के पास बहुत सारी शक्तियां हैं और वो किसी भी जगह को फील कर सकती है। हो सकता है मेहुल सर के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ हो। मेहुल को अब सारी बात समझ में आ चुकी थी। वो करण की मशीन की वजह से पैरेलल यूनिवर्स में आ चुका था। अब समझ में आया, मैं पैरेलल यूनिवर्स में आ गया हूँ। लॉजिकल आर्मी अकॉर्डिंग टू साइंस, हम जिस अर्थ पे रहते हैं ब्रह्मांड में उस तरह के इनफाइनाइट अर्थ हो सकते हैं, इनफाइनाइट स्पेस हो सकते हैं। मेहुल इतना सोच ही रहा था तभी वहां पर एक लेडी इंस्पेक्टर एक लॉयर के साथ आ जाती है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ये तो सोनिया है। हेलो मैम, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, प्लीज लिसन टू मी। बोलो, तुम्हारे पास ओनली 2 मिनट्स हैं, देन आई विल शिफ्ट यू टू क्रिमिनल जेल। एक्चुअली आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं इस यूनिवर्स का नहीं हूँ, पैरेलल यूनिवर्स से आया हूँ। उस यूनिवर्स में हम दोनों साथ में काम करते हैं। कहानी अच्छी है, मैं अपने सोशल मीडिया पर इसे शेयर करूंगी, ले जाओ इसे। अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा, आदि का भी कुछ पता नहीं है। सडनली ड्राइवर फुल स्पीड में ब्रेक लगा देता है। ब्रिज के ऊपर कोई खड़ा हुआ था। गाइस टेक द पोजीशन, शायद वो लोग इस क्रिमिनल को छुड़ाने आए हैं। करण एक बटन प्रेस करता है और मशीन का साइज बड़ा हो जाता है। फायर! पुलिस करण पे धनाधन फायरिंग करने लगती है, लेकिन पुलिस को पता नहीं था कि करण तो मर चुका है, ये तो आर्टिफिशियल करण है। Wow.
कहाँ गए वो दोनों? नदी में देखो। सर नदी के अंदर सब कुछ नॉर्मल है। हेलो सोनिया मैम, एक बंदा कोई मशीन लेकर आया और वो क्रिमिनल को लेकर गायब हो गया। What? जिन लोगों ने यश, रजनी और आलिया को पानी से निकाला था वो लोग तीनों को अपने गांव ले जाते हैं। यश, मैं तो रिटायरमेंट के बाद इसी गांव में रहूंगी। अरे आलिया, हम लोग पैरेलल यूनिवर्स में आ गए हैं। हमारी दुनिया में इस जगह पर खेत नहीं बल्कि मल्टी फ्लोर बिल्डिंग्स बनी हुई है। तभी कुछ गोस्ट उन पे अटैक कर देते हैं। गांव वाले एकदम डर जाते हैं, आलिया भी डर जाती है। यश अपनी गन निकालता है और गोस्ट को पकड़ने लगता है। रजनी अपने पावर से गोस्ट को डिस्ट्रॉय करने लगती है। ये देख सभी गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। आपका शुक्रिया, हमें ये घोस्ट बहुत परेशान करते थे, आज आपने हमें बचा लिया और इन्हें नष्ट कर दिया। गांव पहुंचते ही सारे लोग यश, रजनी और आलिया का खूब स्वागत करते हैं। इतना टेस्टी खाना तो लाइफ में पहली बार खा रहा हूँ। अरे बस करो आलिया, ज्यादा हो जाएगा। अपना तो हो गया भाई। दिक्कत ये है कि अब यहाँ से अपने यूनिवर्स में वापस कैसे जाएंगे? इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये कहाँ गया मैं? मेहू स्विमिंग पूल से बाहर आता है और बगल में बने ड्रेसिंग रूम में जाकर कपड़े चेंज कर लेता है। जैसे ही मेहू ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलता है तभी वहां पर एक वेटर आ जाता है। अरे सर, आप यहाँ कब आए? सारे गेस्ट तो जा चुके हैं। लगता है ये मुझे पहले से जानता है। वो एक्चुअली मैं कॉल पे बिजी हो गया था इसलिए लेट हो गया, और कपड़े भी गंदे हो गए थे तो चेंज करने आ गया। बाय द वे, थैंक यू। ये करण मेरे साथ क्या खेल खेल रहा है? पता नहीं अब किस दुनिया में आ गया हूँ और आदि कब तक कोई पता नहीं। मेहुल होटल के बाहर जाकर बोर्ड रीड करता है। सनशाइन होटल मुंबई, अमेजिंग। इसका मतलब ये मुंबई ही है लेकिन ये तो अमेरिका से भी ज्यादा डेवलप लग रहा है। मेहुल वहां से जाने ही वाला होता है कि तभी अचानक उसकी नजर एक BMW कार पे पड़ती है। ये तो आदि है, अब क्या करूं? ये मुझे पहचानेगा नहीं। क्या करूं? ये किसको हाय बोल रहा है? अरे यार मेहुल, तू लंदन से कब आया? तू तो परसों आने वाला था। मैं एक दिन तेरे घर भी गया था। मुझे एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मिला है और मैं चाहता हूँ कि तू मेरा मैनेजमेंट हैंडल कर। ये आदि तो मुझे अपना मैनेजर बना रहा है। इसका मतलब इस यूनिवर्स में मैं इसका मैनेजर हूँ। वो मैं एक्चुअली थोड़ी तबीयत खराब थी तो। तूने मुझे बताया क्यों नहीं? चल अभी साथ में लंच करते हैं। मेहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था लेकिन वो इस सिचुएशन में कुछ कर भी नहीं सकता था। मेहुल आदि के साथ वापस होटल में चला जाता है। दोनों लंच कर लेते हैं। लंच के बाद मेहुल वहां से निकलने का सोचता है क्योंकि उसके पास तो पैसे भी नहीं थे। जितनी जल्दी हो सकता है यहां से निकल लेना चाहिए, कहीं आदि ने बिल पे करने बोल दिया तो। मैं बिल पे करता हूँ। अरे यार, अपने ही होटल में कौन बिल पे करता है? इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब आदि इस होटल का मालिक है। क्या सोच रहा है? मेरी अभी एक मीटिंग है, मैं तुझसे शाम को मिलता हूँ। आदि के जाते ही मेहुल होटल स्टाफ से होटल मालिक का नाम पूछता है। सर आदि साहब के पास ऐसे 8 होटल्स हैं। आदि साहब, वाओ, आदि तेरा फ्यूचर तो बड़ा ब्राइट है। इस दुनिया में हैकर आदि एक बिलियनर पर्सन है। उसके पास मुंबई में 8 5-स्टार होटल है। लेकिन मेहुल को अब तक ये पता करना था कि इस दुनिया में मेहुल कौन है। ये पता करने के लिए मेहुल होटल के बाहर आता है और आदि का वेट करता है। मीटिंग खत्म होते से आदि बाहर आ जाता है। अरे तू अभी तक यहीं पर है? यार एक्चुअली सर घूम रहा है, क्या तू मुझे घर ड्रॉप कर देगा? मेरे पास गाड़ी नहीं है। Why not? ये BMW का कोई लेटेस्ट मॉडल है क्या? आज तू ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहा है? भूल गया हम लोग साथ में कार लेने गए थे। लगता है तेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है, तुझे आराम की जरूरत है। मेहुल आदि की बात का कोई रिप्लाई न देकर हल्की सी स्माइल देता है। थोड़ी देर बाद आदि एक बहुत बड़े लग्जरी बंगले के बाहर कार रोक देता है।
चलिए मेहुल साहब, आपका घर आ गया। थैंक्स यार। इतना बड़ा घर क्या ये मेहुल का है? और क्या होगा आगे, ये सब जानेंगे हम अगले एपिसोड में।